सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक, तो जिसमें हम आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे कैनवुड के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में, जिसका एरर कोड एरर 6 और एरर 19 जब डिस्प्ले पर आ जाए तो उसका हम आपको बताएँगे कि उसका क्या फॉल्ट होता है और ये किस वजह से आता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे आपको, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि तमाम पॉइंट्स की आपको अच्छे से समझ आ सके। और दोस्तों इसके अलावा हमारी आपसे ये गुजारिश होती है कि जब आप हमारे चैनल पर आएँ, चाहे आपने पहले वीडियो देखी है हमारी या नहीं देखी और पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। तो दोस्तों ये है कैनवुड का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, जिसका एरर कोड हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको बताएंगे जब ये एरर कोड आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों आता है। ठीक है, तो आज मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब इसको ऑन कर लेंगे हम। ठीक है जी, ये देखें, अभी ये देखें ऑन हो गया है। ठीक है, तो जब एरर कोड आ जाए तो हम आपको बताएंगे कि ये क्यों आता है और इसकी क्या वजह होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें, अब एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे आना शुरू हो गया। देखें, कभी ये 16 दिखा रहा है और ये कभी देखें जो 6 है वो फ्लैश कर रहा है। ठीक है, तो हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि जब भी ये एरर कोड आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों आता है। ठीक है जी, तो आज मुकम्मल तफसील के साथ आपको इसका मतलब बताएँगे कि एरर 6 जब आ जाए तो ये इसका क्या मतलब होता है। इसमें जो 6 फ्लैश कर रहा है ये इसका एरर है, और जो 16 जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका सेट टेम्परेचर है। तो अभी देखें, इंडोर और आउटडोर को हमने ऑफ़ कर दिया है, इसकी इलेक्ट्रिक निकाल दी है। ठीक है, क्योंकि यूनिट में जब जो आप इलेक्ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाए, ठीक है, तो ये एरर 6 शो कर सकता है। ठीक है, तो इस वक्त चूँकि ये एरर 6 शो कर रहा था तो हमें ये इलेक्ट्रिक इसकी ऑफ़ करनी पड़ी। ठीक है, ताकि हम जो मज़ीद डैमेज से यूनिट को बचा सकें। ठीक है, लेकिन ये एरर जो है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी टेम्परेरी वजह क्या हो सकती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक तेज़ आएगी, मिसाल के तौर पर 250-260 से अप आ गई है, ठीक है, तो आपका यूनिट जो है वो एकदम से बंद हो जाएगा और एरर 6 जो है वो डिस्प्ले पे शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हो सकता है टेम्परेरली कि उसने डैमेज कुछ नहीं किया अंदर से, पीसीबी या सर्किट को, इंडोर आउटडोर दोनों को डैमेज नहीं किया, लेकिन जो एरर 6 आया टेम्परेरली और वो फिर जब आपने यूनिट बंद कर दिया या ख़ुद से बंद हो गया, तो जब इलेक्ट्रिक ठीक हो जाएगी तो यूनिट दोबारा से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, एक पोजिशन ये हो सकती है। और दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि इसकी परमानेंट वजह क्या हो सकती है। ठीक है, जब ये एरर जो है वो आप जूँ ही यूनिट को ऑन करेंगे तो एरर 6 डिस्प्ले पे शो होगा। ठीक है, परमानेंटली, तो वो यूनिट से नहीं जाएगा। तो उसकी ये वजह हो सकती है कि जब इलेक्ट्रिक तेज़ आई, ठीक है, तो उसने क्या किया कि इंडोर या आउटडोर यूनिट के जो प्रोटेक्शंस हैं जो इलेक्ट्रिक के लिए लगाई जाती हैं, ताकि इलेक्ट्रिक अगर तेज़ आए तो पूरा यूनिट या पूरा जो पीसीबी है वो ख़राब ना हो, सिर्फ वो प्रोटेक्शंस जल जाएँ, तो ये जो है वो आपको परमानेंट फिर ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो फिर वो जो है उसके लिए पीसीबी को रिपेयर करवाना होगा, तो जब पीसीबी रिपेयर हो जाएगा तो ये एरर जो है वो डिस्प्ले से ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों ये देखें, एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, एरर 19। देखें, अभी हम ये लाइट बंद करेंगे ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ जाए। बंद करें लाइट जी, ये देखें अभी 16 और फिर ये 19। देखें, तो जो फ्लैश कर रहा है ये 19 एरर है और जो 16 है वो सेट टेम्परेचर है। ठीक है जी, तो अभी ये एरर आ रहा है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि जब एरर 19 जो है वो कैनवुड के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर पे आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है और ये किस वजह से आता है। ठीक है, तो आपको मुकम्मल तफसील से अभी आगाह करेंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं आउटडोर की तरफ, चूँकि ये एक आउटडोर का फॉल्ट है, तो आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि आउटडोर में क्या फॉल्ट है। ठीक है जी, तो देखें हम आ गए अभी आउटडोर की तरफ। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि आउटडोर में क्या फॉल्ट है, अभी इसका कवर हम खोल लेंगे और आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। और दोस्तों इस वक्त हमने इसका
जो मुकम्मल कवर है वो आप खोल लिया, ठीक है। आपको फ़ैन और पीसीबी जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम मुकम्मल तफसील के साथ आपको बता देंगे कि इसका क्या फॉल्ट है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये देखें, ये इसका आउटडोर मेन पीसीबी है। तो टेक्निकल ज़ुबान में इस एरर को हम कहते हैं जी आउटडोर मेन पीसीबी ड्राइव एरर, ठीक है जी। तो जब भी जो इसका आउटडोर यूनिट है इसका कंप्रेसर स्टार्ट ना हो और अपना रनिंग ना करे, तो इसका मतलब है कि ये एरर 19 जो है वो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कुछ चंद वजूहात हो सकती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, वैसे तो जो ये सिस्टम है इसका काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है। तो हर चीज़ का सेपरेट ये एरर शो करता है, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि एरर किसी और चीज़ में होता है लेकिन एरर कुछ और आ रहा होता है, ठीक है जी। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर इसका आईपीएम है, तो अगर आईपीएम ख़राब है, ठीक है, तो उसका अलग से एक एरर कोड मौजूद है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात जो जो इसका जो सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता सही से, उसमें कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट ख़राब होते हैं, तो उससे काफ़ी दफ़ा जो ऐसा हो जाता है, चांस हो जाता है कि उस सिस्टम के साथ जो है वो जो है कंपेटेबल नहीं रहता है, तो उसको सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो आपको एरर 19 ही शो करेगा, ठीक है। लेकिन आईपीएम का चूंकि ख़ुद से एक अपना एरर मौजूद है तो वो भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर इसका आईपीएम ख़राब हो जाए खुद ही, ठीक है, और वो उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ड्राइव ही नहीं हो रहा है, आगे करंट ही पास नहीं कर रहा है, तो फिर भी 19 एरर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा जो एरर आ सकता है कि अगर इनमें से वायर्स में से कोई एक वायर जो है वो आपकी कट जाए किसी भी वजह से, ठीक है, या गर्म हो जाए, गर्म हो के कट जाए, उतर जाए, ठीक है, तो फिर भी ये एरर 19 ही शो करेगा। इसके अअलावा ये कनेक्टर जो है वो लूज़ कनेक्शन हो जाए, या इनके अंदर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर वो आ जाए रस्ट आ जाए, या वो कई सी एक आती है उर्दू में कहते हैं उसको, तो वो आ जाए, या स्पार्क हो जाए, ठीक है, तो फिर भी ये एरर 19 ही शो करेगा। इसके अलावा जो कंप्रेसर है, ठीक है, तो उसके जो टर्मिनल बाज़ गर्म हो जाते हैं, ठीक है, उनमें से टर्मिनल में से कोई एक गर्म हो जाए या टूट जाए तो फिर भी ये आ सकता है, या कंप्रेसर खुद ही ख़राब हो जाए तो फिर भी ये जो है वो आपको एरर 19 ही शो करेगा। फिर ये इसका होता है कि एक इसका मैकेनिकल होता है और एक इसका इलेक्ट्रिकली होता है, ठीक है जी। तो अगर मैकेनिकल ये जाम हो गया तो फिर भी ये एरर 19 ही शो करेगा, और इलेक्ट्रिकली है तो फिर भी ये आपको एरर 19 ही शो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा, तो इस वजह से वो एरर 19 शो करेगा। तो ये इसके पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं एरर 19 की सूरत में। तो बाकी जो है ये सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट है डीसी इन्वर्टर्स में, ठीक है, ख़ासतौर पे ये कैनवुड में भी। तो इसके अगर और कोई फॉल्ट है तो उसके लिए अलग से एरर कोड पॉसिबल आ सकता है जी। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो देखते रहें फॉर आवर टेक।